जीडीसी कॉलेज में पास्को एक्ट को लेकर हुई एक कार्यशाला, कार्यशाला में पास्को एक्ट की जानकारी दी गई। प्रशासन इन दिनों बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के तमाम कदम उठा रहा है। वह चाहता है स्कूल कॉलेज के बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान हो, अपने अधिकारों को समझें। इसी के चलते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से शहर के कन्या महाविद्यालय ने एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। पॉक्सो एक्ट को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान एक्सपर्ट पॉक्सो एक्ट के बारे में बच्चों को विस्तार से बताया। बच्चों के उत्पीड़न को लेकर हुई इस कार्यशाला में कॉलेज के तमाम छात्राओं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनके लिए जो भी विशेष प्रावधान कानून में किया है खास तौर से उस पर प्रकाश डाला गया। चुके हैं कि हम इस हॉल में महाविद्यालय के कक्ष में यहाँ उपस्थित क्यों हुए एक साथ। हम जब भी अखबार उठाते हैं तो सबसे पहला पढ़ने पर एक दूसरे तीसरे पढ़ने पे अक्सर एक न्यूज़ हमको जरूर पढ़ने मिलती है कि किसी भी बच्चे का बालिका का इस तरह से उत्पीड़न किया गया है। यहाँ तक कि 4 वर्ष, 7 माह, 8 माह, 10 वर्ष छोटी छोटी उम्र की बालिकाओं के साथ इस तरह से घृणित कार्य किए जा रहे हैं कि आज हम सभी बुद्धिजीवी जो कि हम सब पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और आप छात्र छात्राएं हैं। छात्राएं आज कल का भविष्य है और शिक्षक शिक्षिकाओं का काम है कि ऐसे भविष्य को देश के हर कोने से उजागर करके देश के विकास में लगाना। 2012 हमारे संसद ने पारित किया और जो 3 फरवरी 2012 से प्रवर्तन में आए। ये एक्ट सामान्य महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से अलग है क्योंकि इस एक्ट में 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, उनके विरुद्ध जो भी अपराध घटित होते हैं विशेष प्रबंध किए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति के उम्र के हिसाब से उसके मस्तिष्क पर पारिवारिक और सामाजिक वातावरण और हर बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो सामान्य आपराधिक विधि थी उसको परिष्कृत करते हुए बालिकाओं की सहज उम्र को देखते हुए उनके मानसिक स्तर को देखते हुए उनके विरुद्ध इस तरह से घृणित यौन उत्पीड़न अपराधों और लैंगिक अपराधों से बचाव के लिए एक सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई जिसमें बालिकाएं अपने विरुद्ध होने वाले इस तरह के घृणित अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ भी उठा सके और माननीय न्यायालय उसका विचारण सहज तरीके से कर सके और हमारा पुलिस विभाग उसमें अन्वेषण में अपनी तीव्रता ला सके।